ये दास्तां है उस गायक की जो वादी संवादी और विवादी सभी स्वरों में घिरे रहे हैं, नाम सोनू निगम। सोनू निगम का जन्म हुआ था 30 जुलाई सन 1973 में, शहर था फरीदाबाद, राज्य हरियाणा। सोनू निगम ने बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मराठी, असमीस, तुलु, उड़िया, नेपाली, मैथिली और भी अलग भाषाओं में बहुत से गाने गाए हैं। यह बात जानकर हैरानी होती है कि बचपन से ही सोनू निगम को लगता था कि गायकी तो बहुत ही आसान चीज है। इन्होंने मात्र 3-4 बरस की उम्र में ही गायकी शुरू कर दी थी। इनके पिता अगम कुमार निगम और इनकी माता शोभा निगम दोनों ही स्टेज पर परफॉर्मेंसेस किया करते थे। इनके पिता अक्सर शादियों और पार्टीज में ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम करते थे। चूंकि सोनू निगम एक कायस्थ परिवार से ताल्लुक रखते हैं और इस कम्युनिटी में इस बात पे बहुत जोर दिया जाता है कि बच्चे आगे जाकर पढ़ाई लिखाई में ही अपना ज्यादा नाम करें, पर सोनू निगम भी अमिताभ बच्चन की ही तरह कलाकारी की दुनिया में अपना नाम कर बैठे। बेटा अभी तो बच्चा है, प्यार के लिए कच्चा है, पैंट पहन ले इतनी लंबी, छोटा तेरा कच्चा है। सोनू निगम अक्सर अपने मम्मी पापा को स्टेज पे परफॉर्म करता देखते थे और इनका भी मन होता था कि ये भी गाना गाएं। उम्र मात्र 3 या 4 बरस की थी, इन्होंने बहुत जिद की बैक स्टेज। इनके पिताजी ने मना भी किया, पर यार दोस्तों ने समझाया कि कोई बात नहीं निगम साहब, आपका बच्चा है, एक आध लाइन गा लेगा, बच्चे का भी मन बहल जाएगा। पर कौन जानता था कि सोनू निगम आएंगे और रफी साहब का गाया हुआ वो गाना दुनिया के सामने पेश कर देंगे, क्या हुआ तेरा वादा, और नन्हे सुरों ने ही सबका दिल जीत लिया। मेरी जिंदगी में आए हो और ऐसे आए हो तुम, जो खुल गया है सांसों में वो गीत लाए हो तुम। ये बात भी हैरान करती है कि बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट सोनू निगम ने बहुत सी फिल्मों में काम किया। हालांकि इन्हें शूटिंग का माहौल ज्यादा पसंद नहीं आता था, मेकअप की महक पसंद नहीं आती थी और प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ज्यादा तवज्जो चाइल्ड आर्टिस्ट को देते भी नहीं थे। ये फिल्म बेताब में नजर आए थे सनी देओल के बचपन का किरदार निभाते हुए। और भी कई फिल्मों में ये नजर आए। जब बड़े हुए और सिंगर भी बन गए तब भी हीरो बनने का भूत इनके दिमाग से उतरा नहीं था। लव इन नेपाल, जानी दुश्मन, इन तमाम फिल्मों में ये बतौर हीरो भी नजर आए। हालांकि ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल ना दिखा पाए जो कमाल इनकी सिंगिंग ने किया था। दुनिया सजी है मेरी, सजनी तेरे नाम से, तेरे लिए बाबरा, ओ पागल है मन शाम से। किस तरह से इन्हें गुलशन कुमार जी की सपोर्ट मिली ये भी बात बड़ी दिलचस्प है। बात उस वक्त की है जब इन्होंने अपने स्कूल में बहुत सारे सिंगिंग कॉम्पिटिशन जीत लिए थे। हालांकि ये पढ़ाई में बहुत तेज थे पर गाने में इनका नाम ज्यादा हो रहा था, इसलिए इनके माँ बाप ने भी सोचा कि क्यों ना इसे बम्बई लेकर चलें। और 12वीं के इम्तिहान देने के बाद बम्बई में इनका संघर्ष शुरू हुआ। कभी कभी ये स्टूडियो से रोते हुए निकलते क्योंकि इनके गाए हुए गाने कोई और सिंगर डब कर देता था, पर आसमान वाला इनकी सुनने को तैयार था। इन्होंने एक गाना गाया था वो आसमान वाले। ये गाना सुपर कैसेट टी सीरीज के गुलशन कुमार जी को बहुत पसंद आया और गुलशन कुमार जी ने सोनू निगम को कहा कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, मैं जरूर तुम्हें सपोर्ट करूंगा। बस वहां से एक अलग शुरुआत हुई। शहर का जादू रे कर बेकाबू रे, शहर में जो जाए लौट के ना आए। 1996 में इन्होंने एक कन्नड़ा फिल्म के लिए भी गाना गाया था। फिल्म का नाम था जीवन साथी। सोनू निगम कर्नाटक के स्वर्णिम गायकों में से एक गिने जाते हैं। हिंदुस्तान के मशहूर रेडियो नेटवर्क रेडियो सिटी 91.1 FM पर सोनू निगम बतौर RJ भी सुनाई दिए। सोनू निगम के पास आवाज का ऐसा हुनर है कि बचपन में इन्होंने अलादीन फिल्म का जब हिंदी ट्रांसलेशन हो रहा था तब मेन लीड को अपनी ही आवाज दी थी। एक लंबी फहरिस्त है सोनू निगम के गानों की। इन्होंने देश में ही नहीं विदेश में भी हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। जीतेंगे बाजी हम, हिम्मत ना होगी कम। ये सारे गामापा म्यूजिकल शो में भी बतौर होस्ट नजर आए थे। बड़े बड़े संगीतकारों का आशीर्वाद इन्हें मिला। रफी साहब के गाने तो इन्होंने खूब स्टेज पर गाए, कुछ रिमिक्स गाने भी गाए और प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में एक ऐसा मकाम हासिल किया
जो हर किसी के लिए हासिल करना आसान नहीं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इनके गुरु रहे उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान। सन 2002 में सोनू निगम ने शादी की मधुरिमा निगम से और इस शादी से इन्हें एक बेटा हुआ। बेटे का नाम रखा निवान। इश्क में लुट गया वो खजाना हूँ मैं एक बीता हुआ जमाना हूँ। यह बात यकीनी तौर पे कही जा सकती है कि सोनू निगम जैसा सिंगर ना कोई है और ना ही कोई होगा। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।